ये होना चाहिए आपका डाइट। और भगवान ने जब हमें बनाया तो हम क्या खाएंगे उसको भी बनाया, तो दोनों को मैच करते हुए नट एंड बोल्ट, ताकि दोनों आपस में फिक्स हो जाए। ऐसे होता है ना, एक कंपनी नट बना रही है दूसरी कंपनी बोल्ट बना रही है, तो वो फिक्स हो ना हो कुछ पता नहीं। एक ही कंपनी नट बना रही है और वही वाली कंपनी बोल्ट बनाएगी तभी तो फिक्स होगी ना, राइट। आपको जिसने बनाया है उसका बना हुआ जब खाना खाएंगे, राइट, वो खाना भी उसी तरह से बना हुआ है कि पता है कि कौन सी चीज कितना होने से कैसे आपका बॉडी काम करेगा, तो आपको बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो रहेगी नहीं, ये पक्का है, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो द ओनली थिंग इज लेट योर किचन बी योर हॉस्पिटल, राइट। और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके आज कि हमारे जितनी भी चीज भगवान ने बनाई है हमारे आसपास, उनसे हर चीज का इलाज हो सकता है, एक एक चीज का इलाज हो सकता है, एवरीथिंग, राइट। कोई भी चीज अगर किसी को, ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बीमार नहीं, बीमार तो सब पड़ते हैं, एनिमल भी पड़ते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद करें क्या उसी वक्त, तो एक ही चीज आती है हॉस्पिटल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही चीज आते बीमार पड़े तो चलो किचन में जाओ फटाफट, राइट, क्योंकि किचन में वो सारी चीजें हैं जो आपको आपकी बीमारी को परमानेंटली क्योर कर सकती है। और मैं इसमें लाइफस्टाइल डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज में तो आपको लगता होगा चलो खाना ठीक कर देंगे कुछ हो जाएगा, आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ट अटैक, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी इंजरी, एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, वो सब जो लगता है कि ये तो कोई मॉडर्न मेडिसिन ही ठीक कर सकता, जबकि ट्रूथ ये है कि वो सारी चीज़ आपके किचन में इस वक्त भी है वाइल यू आर सिटिंग हेयर। ओनली थिंग इज आपको पता ही नहीं कि ये कैसे काम करता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह यूज करना है, दैट यू नॉट नो। एनी वे टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट लिटिल बिट, वी हैव 3 days फ्रॉम नाउ, राइट। एक ही बात याद रखिए जिससे सब सारी चीज़ों का हल होगा, कि अब इस पिक्चर को देखिए, टायर, राइट। सो इसमें अगर एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, एयर प्रेशर कम होगा तो भी दिक्कत है। जब कंपनी ने बनाया इसको, जिस भी कंपनी ने बनाया उस टायर को, तो साथ में एक आपको आंकड़ा दे दिया, एक मैनुअल दे दिया कि इस टायर का प्रेशर इतने से इतने के बीच में रखोगे तो इसकी लंबी आयु होगी, आयु लंबी होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और आप इंश्योर करते हैं कि वो एयर प्रेशर हमेशा उसके बीच में हो, और वो हर टायर का अलग अलग होता है, इजंट इट। सारी टायर के एक नंबर नहीं हो सकते, हर टायर मैन्युफैक्चरर वाला बताएगा कि मेरे वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना, इसके वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना। वैसे ही इंसान की बॉडी है, सारी बॉडी बिल्कुल एक जैसी नहीं है, जैसे हर इंसान एक जितना खाना नहीं खाता, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच हंगर, हाउ मच एपिटाइट, हज़ारों चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से ये मानिए मेरी बात कि हर एक की बॉडी एक नहीं है, तो हर एक के पैरामीटर्स, हर एक के लिए रूल्स वो एक नहीं होंगे, राइट। मान लो एक शू 9 साइज का हो, सभी को फिट करने लगेंगे तो क्या होगा, कुछ को फिट ज़रूर आएंगे लेकिन 90% लोगों को फिट ही नहीं आएंगे, राइट। तो या तो उनके टांग पकड़ खींचेंगे, पैर पकड़ खींच, भाई इसको बड़ा करो, राइट, या उसको काट के छोटा करो। इन बोथ द केसेस ट्राइंग टू फिट योर फुट ऑन ए शू ऑफ डिफरेंट साइज, वो पीड़ा आप ही को होगी, दुख और दर्द आप ही को होगा। तो ये अगर आप समझ जाएं तो आपको पता चल जाए कि पैरामीटर्स, डायग्नोसिस उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, जितना ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस आया। अभी देखिए जब से ग्लूकोमीटर आया, जब लोग घड़ी घड़ी ग्लूकोमीटर घर में ही चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ कितनी बढ़ गई है, राइट। जबकि आप याद कीजिए आज से कुछ साल पहले, 20 साल 30 साल पहले जब आप स्कूल में हुआ करते थे, तब ब्लड शुगर चेक भी हो सकता है ये आपको पता भी नहीं था, और कोई बीमार नहीं था ब्लड शुगर का बीमार। आज आप देखेंगे कि मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट की बात करता हूँ, मैं खुद के पेशेंट की, 1 साल 2 साल 3 साल इतने छोटे बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट, अभी लेटेस्ट मैंने देखा कितना, आप हैरान हो जाएंगे, 2 महीने की बच्ची डायबिटीज़ टाइप 1, यानी कि जितनी बार वो खाना खाएंगी उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन ना जाने कहाँ से उनको मेरे में पता चला, दे केम टू आवर कैंप, और कैंप में मैंने देखा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, है यहाँ पे इंसुलिन पेशेंट है, जया एक थी, मुझे बताया डॉक्टर गुलाब ने, अरे देर आप है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, इंसुलिन लेने की आदत पड़ गई, कुछ साल निकल गए, अब हमने बॉडी ने उस तरह से अपने बॉडी को मैनेज, अंदर से मैनेज कर लिया, वो वाले हार्मोन बनाने कम कर दिए या बंद कर दिए। अब क्योंकि वो फैक्ट्री में ताला लग गया, बॉडी को लगा कि ये जो पेनक्रियाज, जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, इसको ताला लगा देता हूँ। लेकिन क्योंकि पेनक्रियाज भी इंसुलिन बनाएगा, आपकी बॉडी भी इंसुलिन बाहर से आएगा, तो दैट विल बी डेंजरस, यू विल डाई इन 1 डे, राइट। तो अब इंसुलिन डिपेंडेंट अब बन गए, अब, राइट। लेकिन जिस दिन आपका ब्लड शुगर हाई था, पहले दिन ब्लड शुगर हाई टेम्पोरली कभी भी हो सकता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक ब्लड शुगर चेक कीजिए अपना,
फिर कोई डरावनी मूवी देखिए, बहुत डरावनी मूवी के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, कुछ खाइए मत, ब्लड शुगर एकदम डबल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब कोई बीमारी है या ब्लड शुगर डायबिटीज है जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड शुगर भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो टेम्पररी बढ़ भी सकता है फिर अपने आप घट भी जाता है। वो आप देखिए, आप अपनी गाड़ी को कई बार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, वहां से भी गाड़ी आ रही है, उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को ले जाना है, तो 120 किलोमीटर पर आवर भी सेफ ड्राइविंग स्पीड है उस वक्त के लिए, उस टेम्पररी टाइम के लिए। लेकिन उतने टाइम के लिए कोई सिर्फ उतना सा देखेगा कि आपके वहां पे रीडिंग जो आंखें ऐसे करके सिर्फ उसको आपका जो गाड़ी का जो डैशबोर्ड ही दिखाई दे रहा है कि उसमें 120 किलोमीटर पर आवर दिखा, वो क्या बोलेगा, यार आप तो ओवर स्पीड करते हो, आप तो मार डालोगे हमें, राइट? क्योंकि वो पूरा कंडीशन नहीं देख रहा, वो पूरा सिचुएशन नहीं देख रहा, वो पूरा सर्कमस्टेंस नहीं देख रहा, वो एक घोड़े की तरह सिर्फ अपनी आंखों को ऐसे करके उस डैशबोर्ड को देख रहा है, राइट? तो ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड शुगर भी ऐसे ही काम करता है कि जब भी कोई भी उसमें नंबर होता है, ब्लड शुगर का कोई भी लेवल होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर को कंसिडर किए बिना अगर हम सोचें कि मुझे इंसुलिन लेना चाहिए और ले लेते हैं, तो मान लीजिए आपने रास्ता एक ऐसा पकड़ा जिसमें आगे दुख ही दुख है, गम ही गम है, नुकसान ही नुकसान है, ये पक्का है। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है इससे कि मैन्युफैक्चरर ने आपको भेजा है बना के, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना के भेजा है, ब्लड प्रेशर का बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ब्लड शुगर का बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, एक पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल पे हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएं। गेटिंग द पॉइंट? जब ये टायर एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में होगा तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रेशर का कुछ भी हो तब भी कुछ दूर तो चलेगा ही, लेकिन जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वो प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना, ये जो सारे टर्म्स आप सुन रहे हैं ना, ये पिछले 15 साल की देन है, उससे पहले ये टर्म्स थे ही नहीं। लेकिन हर साल देखें दो दो नए टर्म आ जाते हैं, अब उसमें ही लोग पूरी तरह से कि ये नंबर जो यूरिक एसिड का ये ऐसा नहीं आया तो ऐसा हो गया, तो मतलब दिमाग पूरी तरह से एंगेज है, राइट? तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट।